उत्तर प्रदेश से भी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते चले। एक बार फिर से जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया है। बाराबंकी इलाके से खबर आई है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस के मुताबिक परिवार का यही कहना है कि खाना खाने के बाद सभी ने शराब पी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहरीली शराब से हुई मौतों पर दुख जताया है। यूपी के बाराबंकी में जहरीली शराब से ये कोहराम मचा है। अब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। फिलहाल कुछ लोगों को अस्पताल भी भर्ती करवाया गया है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है। बिल्कुल नवजोत, देखिए ये शुरुआत आज सुबह सुबह तड़के हुई है, जब कई लोगों के मौत की खबर अचानक से आई है। बाराबंकी का रानीगंज इलाका है, जहां पहले 4 लोगों के, एक ही परिवार के 4 लोगों के मरने की खबर आई और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर अब 8 तक पहुंच गया है। हालांकि अब पुष्ट खबरों की माने तो ये आंकड़ा 10 के ऊपर है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने 7 मौतों की अभी तक पुष्टि कर दी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है रानीगंज का, इस इलाके में जो अवैध शराब का काफी कारोबार पहले से होता रहा है, लेकिन इस मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी कि आखिर किस तरह की शराब इन लोगों ने पी थी और वजह क्या थी। जी अभिषेक रही है हमारे साथ एडीएम संदीप गुप्ता, क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा वो भी सुन लेते पहले। हाँ पर आई है और एक बॉडी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बता रहे हैं कि 2 मृतक और एक सब मिला के बताया जा रहा है 10 लोग मरे। नहीं अभी अभी हमें पता चल जाए, अभी हमें 5 के बारे में, 5 की। तो मैं वहाँ पे गया था, जिसका मौत किया था वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे 2 है, एक जो है डेड बॉडी है और 2 जो है चल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।